हेलो दोस्तों, आज हम कटिंग करेंगे हुडी, जो उसका कुछ इस प्रकार से मेजरमेंट रहा। 26 इंची लेंथ है उसका, 20 मतलब 40 है, क्या कहते हैं चेस्ट है तो उसका हाफ लिए 20, उसके बाद फिर हैंड है 23.5 मतलब शोल्डर है 16। चलिए सबसे पहले हम इस मतलब केजी शीट है इसको हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से। यहाँ पे हम इसको एक सीधा कर लेंगे, ये हुआ। अब इसमें हाफ इंच से एक सूत कम देना है, मार्जिन ऐड होगा ये सिलाई के लिए। अब इसको हम लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। लेंथ है मेरा 26, तो 26 में यहाँ 2 इंच का मेरा बेल्ट लगेगा, वो रिब जो होता है ना हौजरी कपड़े में लगता है, वो 2 इंच को यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ से हम फिर इसका लेंथ मेजरमेंट करेंगे। लेंथ आ जाएगा मेरा 26 है, तो 26 पे यहाँ पे दाग लगा लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ हाफ इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। अब इसे भी हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, ये हो गया क्या कहते हैं रेडी वाला मार्का, ये हुआ कटिंग होगा। अब यहाँ पे हम सबसे ले लेंगे, ये मीडियम साइज का मेरा शर्ट है, ये क्या कहते हैं हुडी है, तो उसको हमने यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच ये जगह पर। अब इसको हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर मेरा है 16, तो उसका हाफ करना है 8 इंच दे देंगे। 8 इंच में ये हुआ मार्का मेरा। अब यहाँ पे हम जितना आपका मार्जिन ऐड होगा दबाव सिलाई में, उसका हाफ इंच में एक सूत कम, होजरी में कम लगता है इसीलिए होजरी में कम देते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच एक सूत, फिर यहाँ हो गया ये वाला मार्का से। अब इसे हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 8 इंच 2 सूत 8.25 पर, इसे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हम ले लेंगे चेस्ट मेरा है 40 इंच, मीडियम का चेस्ट 40 इंची आता है, तो उसका हाफ यानी चौथाई करना है, 10 इंची आ जाएगा, ये 10 इंची हुआ। इसमें भी हाफ इंच में एक सूत मार्जिन ऐड। अब इसी का लेना है हमें 10.5 में एक सूत कम है। अब हम यहाँ पे जो है ना पूरा 10 दे देंगे पैचा इसमें मेरा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे निहित में थोड़ा कम देना है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं यहाँ पे ये वाले स्केल से। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका यहाँ पे पेट के पास थोड़ा सा 0.25 सेंटीमीटर एक पाव हाफ इंच में एक सूत कम ही इसको हम रखेंगे। अब इसे हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा ये वाला, ये इसको मतलब इसमें शेप दे देंगे तो ये बैठेगा पीस बढ़िया। ये हुआ मेरा। अब फिर हम यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इसे गोलाई कर देंगे। अब यहाँ कॉलर का नीचे का मार्किंग करना, यहाँ पे हम दे देंगे 2.5 इंच। इसको हम सीधा कर लेते थोड़ा सा, इतना दूर तक सीधा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसे भी गोलाई कर देंगे। चलिए इसे हम अब कट करते हैं। ये दाग सब हम मिटा देते हैं, तो पैटर्न में जो है ना दाग वगैरह नहीं सही लगता है, जितना फिनिशिंग आपका रहेगा उतना बढ़िया लगेगा। अब इसे हम मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे ये निशान, ये हो गया मार्जिन का। ये ग्रैंड को निशान कर देते हैं हम।
ये हो गई ग्रैंड लाइन। अब मेरा साइज है मीडियम, ये हो गया फ्रंट। बैक कटिंग हो गया। हाँ दोस्तों, अब ये हम इसका बैक कटिंग करेंगे। बैक कुछ उसी प्रकार से इसको भी उसको फोल्ड कर लेना है केजी सीट को। अब फिर ऐसे ही हम गट्टा को रख के ऐसे ही इसमें मार देंगे। यहाँ पे हम बराबर रखेंगे नीचे की ओर। अब हम इसे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको भी हम मार्किंग कर लें, बराबर कटेगा। अब यहाँ पे हम रखना है इसे 2 इंच देंगे, ये मीडियम का 2 लगता है। अगर आपका इससे बड़ा एल कटिंग करेंगे तो 2.5 देंगे, एल एक्सएल में 2.5 देंगे। अब यहाँ पे हम दिए थे इसका 2.75 इंच दिए थे, अब यहाँ हम दे देंगे 3.25 इंच बैक का। ये 3.75 पे हम इसे सीधा कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ मैं इस जगह पर हम दे देंगे 1 इंच शोल्डर का बैक का। अब इसे भी हम यहाँ से गोलाई कर देंगे बैक का, इसे फिर हम यहाँ पे इस तरह सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसे सीधा कर देंगे। चलिए बैक को भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये बैग भी मेरा कट चुका है। अब इसे हम इस तरह से देख लेंगे कहाँ मेरा बैठ रहा है। यहाँ भी बराबर आ रहा है, यहाँ भी बराबर आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है। इसे हम 100 झाड़ देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, हो गया। अभी अब बराबर आएगा, आ गया। ये बैक फ्रंट तो हो गया मेरा। अब इसे हम इसका हाला का मेजरमेंट कर लेंगे, आर्मोल का हाला। ये यहाँ पे इतना दबाव हो गया, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम इस प्रकार, यहाँ 9 इंच आ रहा है, यहाँ भी मार देंगे, तो हम 10.5 इंच का हैंड कटिंग करेंगे, मेरा परफेक्ट आ जाएगा। चलिए अब हैंड कटिंग करते हैं दोस्तों। फिर से हम इसी प्रकार से इसको भी ऐसा फोल्ड कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे आप इसे 1/2 इंच ये दे देंगे मार्जिन रेड। यहाँ पे मेरा हैंड का लेंथ है 23.5 इंच, मीडियम में 23.5 रहता है। उसके बाद आपका एल हुआ तो 24 दे देंगे, 24.5। एक्सएल हुआ तो 25 देंगे, डबल एक्सएल हुआ तो 26 देंगे। तो हम इसे 23.5 पर इस तरह रखेंगे यहाँ पे, और इसको हम 2 इंच में छोड़ के हम मार्किंग कर देंगे हैंड का, और यहाँ पे 1/2 इंच के 1 सूत कम ये मार्जिन ऐड करने के लिए। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हैंड का मोहरी देंगे, मीडियम में मोहरी देंगे हम 5 इंच देंगे, इसमें मार्जिन ऐड है, 4.5 इंच मोहरी आएगा, मार्जिन ऐड है। ये 5 पर देंगे। अगर एल का रहा तो आप 5.5 देंगे, अगर एक्सएल रहा तो 5.25 देंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे इसे 5 इंच पूरा ये मार्जिन से, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इससे 5 इंच लेंगे। इस 5 इंच पर हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ हम देंगे अब 8 इंच देंगे इस जगह पर। 8 इंच में मेरा हैंड देखिए कितना आएगा, ये पूरा 10 इंच में 1 सूत कम है, ठीक है, परफेक्ट। उस हाला के लिए परफेक्ट बैठेगा। इसे हम स्केल को इस तरह रखेंगे, यहाँ से इतना दूरी पर 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से। अब इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे इसीलिए। अब इसे हम हाला का मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से गोलाई कर लेंगे। ये हुआ मतलब इसका कटेगा आपका, मतलब इसमें बैठेगा फ्रंट, ये जाएगा फ्रंट की तरफ, ये बैक की तरफ।
से हम कट कर लेते हैं। इस तरह से मेरा हैंड कट चुका है, इसे भी हम मार्किंग कर लेंगे। इधर भी एक्स्ट्रा इतना जाएगा, इधर भी रिब लगेगा 2 इंच का। ये इसका ग्रैंड का सीधा, मीडियम साइज का सिलो। अब हुड का तो दोस्तों अब हम हुड कटिंग करेंगे इसका, हुडी। सबसे पहले इसका जो हम ये मार्कर कर देंगे। अब यहाँ से मेरा हुडी का लेंथ मेजरमेंट है 13 इंची लंबा देना है, रेडी। 13 इंची लेंथ हो गया, और इधर इधर ये हाफ इंची, इधर हाफ इंची, 1 इंची टोटल मार्जिन हम दे देंगे। तो इसको 13 को यहाँ पे हम रखेंगे, मेरा आ गया 14 इंची, यहाँ भी आ गया 14 इंची। अब इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। फिर अब मेरा लंबाई हो गया, अब ये पोजीशन इसका जो है मेरा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच रेडी रहेगा। तो उसमें हम पहले इसका मार्जिन ऐड करते हैं सामने की तरफ। यहाँ से हम 1 इंच में एक मार्कर लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे हम 1 इंच में। इसे हम सीधा कर देंगे इस तरह से। बाद में फिर हम इसको ये सेव स्केल को बैठा के इस तरह से बैठा देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मेरा सेव चाहिए, ये इस तरह से हुआ। फिर इसे भी हम यहाँ निकाल लेंगे, ये फ्रंट का मुंह की तरफ हुआ। फिर इसे हम यहाँ भी 1 इंच में हम मार्कर लगा देंगे। ये मार्जिन मेरा 1 इंच का जाएगा, फोल्ड जो होगा उसका, उस चीज़ के लिए। अब यहाँ नीचे में हम ले लेंगे, यहाँ पे ये मेरा नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ लेना है 9.5 इंच मेरा रेडी आएगा। यहाँ पे 9.5 ये वाला पूरा फोल्ड होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ये 9.5 इंच में रखना है इसे, यहाँ भी हम लगा देंगे, यहाँ पे 1/2 इंच में एक सूत मार्जिन ऐड हो गया। अब ये जितना है यहाँ पे 11.5 हुआ टोटल, यहाँ भी 11.5 पे हम मार्किंग इसका स्ट्रेट कर लेंगे सीधा। ये सीधा हो गया। अब इसका हम लेना है यहाँ पे, यहाँ से सेव रहेगा, यहाँ पे हम ले लेंगे इसका 2.5 इंच नीचे से, एक अच्छा जो है ना, इससे 2.5 इंच लेने के बाद हम इसे इस तरह से सेव देंगे यहाँ पे। नहीं, इस प्रकार बैठाना है इसको, सॉरी। तरह से ये बैठाना है, यहाँ पे हो गया। अब हम इसे गोलाई कर लेते हैं। इसलिए ये मेरा पास ये स्केल है, स्केल से हम करेंगे इसको। यहाँ रखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा एक सूत बाहर रखना है इसे, ये हुआ। फिर यहाँ भी इस तरह रखेंगे, फिर इस जगह पे हम ऐसे करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेव जाए इस तरह से। चलिए अब हम इसे कट करते हैं।
स्टैंड खराब हो जाएगा, स्टैंड खराब हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले इसको हम आप काटते हैं पॉकेट, ये मेरा 8.5 इंच रेडी रहेगा, हम इसे 9.5 पे लगा लेंगे मार्किंग, यहाँ भी 9.5 पे लगाएंगे, इसे हम सीधा कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम रखेंगे इसको 5.5 इंच का रेडी रहेगा, यहाँ रखेंगे हम 6.5 इंच, यहाँ रखेंगे हम 4.5 इंच, इसे हम यहाँ सीधा कर देंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ सेब में दे देंगे इसको इस जगह पर। ये मेरा पॉकेट का, ये इस तरह से मेरा पॉकेट हो गया, ये अलग से इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे, ये हो गया। इसमें मेरा पाइपिंग वगैरह लगेगा इसीलिए हम इसमें माइस्ट्रा नहीं दिए, बाकी अलग से लगा सकते हैं, ये मीडियम साइज का हुआ। उसके बाद ये मेरा हुड्डी हो गया, ये हैंड हो गया आपका, अगर ये मीडियम साइज है मेरा तो लगा है इसमें, मतलब 10 रखे हैं, अगर आपका एल रहा तो 10.5 रखेंगे, एक्सएल रहा तो 11 रखेंगे, आपका परफेक्ट आएगा। आई होप कि वीडियो मेरा आया होगा आप लोगों को पसंद, तो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर करें।